हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में आरबी टेक्निकल का प्रैक्टिस सेट 35 कवर करने वाले हैं और इसमें देखिएगा क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं मैथ के 11 नंबर से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो के मूलों का योगफल कितना होगा। तो द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल होता है माइनस बी बटे ए, ये इसको याद कर लेना है। देखिएगा नेक्स्ट है, एक त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर ए सी, तो एक ऐसा त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी और ए सी बराबर हैं। तो ये ए बी सी त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। अब कोण बी 80 डिग्री दिया है, तो देखिए कोण बी 80 डिग्री, तो कोण सी का मान पूछ रहा है, मतलब ये इस कोण को ज्ञात करना है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, जैसे ए सी के सामने का कोण होगा कोण बी, तो ए बी के सामने का कोण सी ये भी 80 डिग्री ही होगा, तो कोण सी 80 डिग्री होगा, मतलब बी और सी दोनों कोण बराबर हो गए, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने एक रेडियो 1500 रुपए में खरीदा और 1800 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सीपी दिया है 1500 रुपए और एसपी दिया है 1800 रुपए सेलिंग प्राइस, तो इसको प्रॉफिट होगा। यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा, तो घटा देंगे 1800 में 1500, तो 300 रुपए की प्रॉफिट होगी। अब प्रॉफिट परसेंट या परसेंट प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, इसी फार्मूले में रख देंगे वैल्यू, 0 0 कैंसिल आउट होगा, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10, तो 20% की प्रॉफिट होगी, ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि तीन संख्याओं का औसत 9 है और उनमें से दो संख्याओं का औसत 12 है, तो तीसरी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, तीन संख्याओं का औसत 9 है, तो तीन संख्याओं का योग निकाल लेंगे, तो 3 × 9 करेंगे तो 27 आएगा। अब उनमें से दो संख्याओं का औसत 12 है, तो पुनः दो संख्याओं का योग निकालेंगे, तो 2 × 12 करेंगे 24 होगा। अब तीसरी संख्या निकालना है, तो आपस में घटा देंगे 27 में 24, तो 3 होगी तीसरी संख्या, यही हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखिएगा, लॉग 3 आधा, यहाँ पर 3 की पावर में x की प्लस 4 है बराबर लाख 729, तो x का मान क्या होगा। तो इसको देखिएगा, पहले इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, लाख 3 की घात x प्लस 4 बराबर लाख, इसको 729 को 3 को कितने बार आपस में गुणा करें कि 729 आए, तो 6 बार गुणा करने पर 729 आता है, मतलब इसके गुणनखंड जब करेंगे तो 3 6 बार आएगा, तो इसलिए 3 की घात 6। अब लाग लाग दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी आधार समान, देख लीजिए आधार समान दिख रहे हैं, 3 3 है दोनों में, तो घातें भी समान होगी, मतलब एक्स प्लस 4 बराबर 6, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर 6 माइनस 4, तो एक्स की वैल्यू 2 होगी, इसका ये सल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिता तथा पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है, 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु है। तो यहाँ पर देखेगा, पहले सेट करेंगे प्रेजेंट वर्तमान हो गया, यदि पहले की दिया है तो यानी बिफोर ऊपर लिखेंगे, और बाद की यदि दिया है तो ये आफ्टर, तो प्रेजेंट की पहले मान लेते हैं। देखिएगा, पिता और पुत्र इन दोनों की आयु मानेंगे, पिता की एक्स वर्ष मान लेते हैं वर्तमान में, तो पुत्र हो जाएगा 44 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की आयु का योग 44 है। अब यहाँ पर दिया है बाद की, दिया है 2 वर्ष बाद, तो देखिए प्रश्न में 2 वर्ष बाद दिया है, तो इसलिए नीचे लिखेंगे दोनों की वैल्यू, यहाँ पर 2 वर्ष बाद, तो मतलब एक्स प्लस 2 हो जाएगी 2 वर्ष बाद पिता की आयु, और यहाँ पर 44 माइनस एक्स प्लस 2 यहाँ पुत्र की आयु हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा दोनों में चेंजिंग, तो यहाँ 44 प्लस 2 46 हो जाएगा, 46 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, तो हमें गुणा उसी में करना है जो छोटा होता है, तो 2 वर्ष बाद पिता की आयु तो एक्स प्लस 2 है, और 3 गुना इसमें कर देंगे 46 माइनस एक्स में, तो ये हमारा सही समीकरण है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 2 बराबर 3 6 18, 3 4 12 1 13, 138 माइनस 3 एक्स, 3x पक्षांतर करेंगे तो यहाँ वैल्यू 4x हो जाएगी, और 2 पक्षांतर होगा तो यहाँ 136 बचेगा, इसमें घट जाएगा, तो 4 3 12, 4 4 16, x की वैल्यू आ जाएगी 34, और यही वर्तमान आयु है पुत्र, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना था, तो x है, x का मतलब 34 वर्ष, यही हमें फाइंड आउट करना है, तो इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी का साइन थीटा बराबर दिया है 21/35, तो काट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है साइन थीटा बराबर 21/35, और इसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यदि हम समकोण त्रिभुज में इसको इंडिकेट करें, तो देखिएगा कर्ण दिया है इसमें 35 और लंब दिया है 21, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे, आधार तो 28 आएगा,
ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देंगे, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो आप डायरेक्ट कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों भुजाएं पता चल गई। और कॉट थीटा का सूत्र लिखना है तो आधार बटे लंब होता है, क्योंकि टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा का आधार बटे लंब, इसमें फार्मूला पहले लिखेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो आधार 28 है, लंब यहाँ पर 21 दिया है, आधार बटे लंब, तो ये 28/21 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि x प्लस 1 अपान x बराबर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखेंगे इसमें x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, पहले इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इसका फार्मूला बीजगणित का टॉपिक वाइज वीडियो देखेगा, ये अपलोड कर दिया गया है आर्मी टॉपिक वाइज वीडियो में बीजगणित, तो वहाँ पर सभी डिटेल से बताया गया है। और यहाँ माइनस 2 कर देंगे, बस वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि जब प्लस से प्लस में जाते हैं तो 2 घटाते हैं। अब इसमें सर्वसमिका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ 3 ही होगा, और प्लस 2ab, मतलब 2ab का मतलब 2 × 2 = 4, 4 स्क्वायर रूट 3 और माइनस 2, तो यहाँ पर 4 × 3 = 7 में 2 घटाएंगे तो 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, यही इसकी वैल्यू होगी, इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखिएगा इसी का, एक स्कूल में 55% लड़के हैं, यदि विद्यालय में 675 लड़कियां हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर देखेंगे कुल 100% होते हैं और लड़के हैं 55%, यहाँ लिखेंगे लड़के 55%, तो लड़कियाँ कितनी बचेंगी, पहले परसेंट में इसको वैल्यू को सेट करेंगे तो लड़कियाँ बचेंगी 45%, क्योंकि 100 में जब घटा देंगे आपस में तो 45%, और ये 45% वैल्यू दे रखा है, 45% बराबर दिया है 675, तो 1% की यहीं जब निकालेंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 675/45, हमें निकालना है कुल टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब 100%, तो 100 × हो जाएगा 675/45, कैंसिल आउट करेंगे 9 से कट जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, 5 × 4 = 45, 9 × 5 = 45, फिर 5 × 5 = 5, 15 × 75, तो 15 × जब 100 करेंगे तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी 1500, तो ये 1500 टोटल विद्यार्थी होंगे, गुणा करने पर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ए कोई समुच्चय है, उसके अवयवों की संख्या यदि 5 है और बी के अवयवों की संख्या 3 है तो उनके दोनों का संघ में कितने अवयव होंगे, तो 5 होंगे। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे ए में है 1, 2, 3, 4, 5 और बी के सदस्य हैं, बी कोई समुच्चय है, बी में है 2, 3, 4, तो जब दोनों का संघ निकालेंगे तो इसमें भी संघ में ये इसके पहले पूरे लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, और बी में जो एक्स्ट्रा होगा तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है क्योंकि कॉमन है 2, 3, 4 दोनों में, तो कम से कम 5 सदस्य तो होंगे ही कम से कम संघ में, तो इसका सल्यूशन होगा 5, कम से कम अवयवों की संख्या 5 होगी, अधिक से अधिक ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं पर कम से कम 5 सदस्य रहेंगे। अब देखिएगा, 5 तस्वीरों को दीवार में 7 किलो में कितने प्रकार से टांग सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ये परमिटेशन का क्वेश्चन है, मतलब NPR का फार्मूला पता होना चाहिए, फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल N माइनस R, इसमें हमें वैल्यू पुट करना है तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, मतलब इसमें हो जाएगा 7P5, 7 किलो में हमें 5 तस्वीरें कितने प्रकार से टांग सकते हैं, तो 7P5 की वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 7 को घटते क्रम में 5 बार गुणा कर दें, बस 7 × 6 × 5 × 4 × 3, तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी, यहां पर ये इसका सलूशन होगा, तो यहां पर देखिएगा 6 × 5 = 30, 4 × 120 = 360 और 360 जब करेंगे तो वैल्यू होगी 7 × 6 = 42, 2 × 4 और 7 × 3 = 21, 25, तो 2520 प्रकार से टांगा जा सकता है, ये इसका सलूशन होगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक रोम्बस का क्षेत्रफल निकालने जिसके कर्ण 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर, रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज होता है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × पहला विकर्ण, कर्ण का मतलब यहाँ विकर्ण है, गुणे दूसरा विकर्ण, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 × 4 = 2, 1 + 2 तो 41 × जब 10 करेंगे तो 410 आएगा और 0.1 अंक के बाद, मतलब 41 cm² होगा इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, यदि a की घात n+1 प्लस b की घात n+1 अपान a^n + b^n, a और b का समांतर माध्य है तो n का मान है, तो इसको ऑप्शन से लगाएंगे और याद रखना है, यदि a और b का समांतर माध्य यदि निकालना हो, जैसे ab का माध्य निकालना है तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब a+b अपान, अब 2 है इसमें a और b, तो ये इतना आना चाहिए इसमें,
तो एन की वैल्यू हम ऑप्शन से पुट करेंगे, तो जैसे जीरो पुट करते हैं, देखिएगा ए की पावर जीरो प्लस वन प्लस यहाँ पर बी की पावर जीरो प्लस वन, एन की वैल्यू जीरो रखते हैं पहले और देखते हैं क्या वैल्यू इसके आती है इक्वल, ये जो अभी माध्य निकाले हैं ए और बी का, तो यहाँ पर भी ए की पावर जीरो प्लस बी की पावर जीरो। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखिए ए की पावर वन, यहाँ पर वैल्यू बचेगी ए की पावर वन, तो मतलब ए ही लिखते हैं, प्लस बी की पावर वन, तो ये बी ही लिखा जाएगा यहाँ पर, और ए की घात शून्य है तो किसी की घात शून्य हो तो एक होगा, प्लस बी की घात शून्य यहाँ भी एक होगा, तो फाइनल हमें वैल्यू वही मिलेगी ए प्लस बी अपान टू। तो ये समांतर माध्य है, ये जो इतनी वैल्यू दी हुई है ए और बी का समांतर माध्य है, तो एन की वैल्यू जीरो रखने पर आएगा, तो मतलब यहाँ पर एन की वैल्यू प्रूव हो गई कि एन बराबर जीरो रखना पड़ेगा, ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट देखिएगा, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि पी बराबर थ्री एम सच देट एम अवयव है या एलिमेंट है एन का, एन नेचुरल नंबर है, यहाँ पर एक से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या, तो एम की वैल्यू हमें एक से लेकर के अनंत तक कुछ भी रखते जाएंगे इधर, तो देखिएगा इसमें जब सॉल्व करेंगे तो पी समुच्चय पी के जो एलिमेंट अवयव होंगे, तो यदि एक रखेंगे तो तीन एक कम तीन, जब दो रखेंगे यहाँ पर एम, क्योंकि एम की वैल्यू एन नेचुरल नंबर कोई भी ले सकते हैं, तो एक से स्टार्ट करेंगे, तो जब एक रखने पर तीन, दो रखने पर छः, तीन रखने पर नौ, तो ये इस तरह से अनंत तक चली जाएगी वैल्यू। और इसी तरह ये क्यू भी एक समुच्चय है सेकंड, इसके देखिएगा सदस्य बनेंगे, एन की वैल्यू यहाँ भी एक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एन की वैल्यू नेचुरल नंबर ही है, तो एक रखेंगे तो तीन की घात एक रखने पर तीन, फिर तीन की घात दो रखेंगे तो तीन त्रिकोण नौ, त्रिक सत्ताईस, तीन इक्यासी, ऐसे इसमें वैल्यू जाएगी इन्फिनिट तक। तो यहाँ पर अब ये समझ में आ रहा है कि ये जो क्यू है वो पी से बना है, क्योंकि पी में इसके क्यू के सभी सदस्य इसमें मिल जाएंगे पी में, तो यहाँ पर देखिएगा तो इसमें Q उप समुच्चय होगा P का, ये ऑप्शन हमें सर इसमें देखना है, तो इसका B नंबर सही होगा, Q बना है P से ना कि PQ से, देखिएगा क्योंकि P में कुछ सदस्य जो P में है वो Q में नहीं है, तो इसलिए Q में P के कुछ ही अवयव लिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन B सही होगा। और ये प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जल्द मिल जाएगा, और आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट से सभी आल प्रैक्टिस सेट फाइंड कर लेना है, प्लेलिस्ट बना हुआ है आर्मी टॉपिक वाइज वीडियो, आर्मी क्लर्क के लिए, जीडी के लिए, ट्रेड्समैन के लिए, ये आप लोग और टेक्निकल वाले भी उससे टॉपिक वाइज जो प्लेलिस्ट बना है वहाँ से लगा सकते हैं, और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग शेयर कीजिए, और आगे भी आप लोगों को वीडियो लगातार इसी तरह मिलते रहेंगे, इसमें इतना ही कवर करेंगे।